आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सुजानपुर में वन महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों द्वारा हेल्थ सेंटर के डॉक्टरों के साथ बेल तथा अन्य पौधे लगाए गए और इसके साथ ही लोगों को अपील की कि बरसात के दिनों में अधिक से अधिक पौधे लगाएं, क्योंकि यह पौधे ही हमारा जीवन है। जय गुरुदेव। आज हम इस सुजानपुर सिविल हॉस्पिटल में सभी एकत्रित हुए हैं। हम लोगों ने अपना संकल्प किया है कि इसी महीने में सावन मास में हम लोग 108 बिल्व के पेड़ लगाने का संकल्प लिया है और हमारी कोशिश है कि इन पेड़ों को इस महीने के अंदर में लगाया जाए। अभी तक हम लोगों ने करीब 35 पौधे लगा दिए हैं एंड हम सभी ने मिलकर इसको प्रयोजन को पूरा करने का हमने संकल्प है और ये गुरुदेव की कृपा से ही सब हो रहा है और कामना करते हैं कि सब कुशल मंगल से हो। इसी के साथ में जय गुरुदेव। मेरा नाम दीपक शर्मा है, मैं आर्ट ऑफ लिविंग का पठानकोट में टीचर हूँ। मेरे साथ ही अनिल जी हैं, विकास जी हैं, जस्सी जी हैं और अरुण जी हैं। हम आर्ट ऑफ लिविंग संस्था पठानकोट और सुजानपुर की तरफ से इस श्रावण मास में 108 बिल्वा पेड़ लगाने का हमने प्रण किया है। देखिए, इससे क्या है कि ये हमें प्रेरणा जो मिलती है श्री रविशंकर जी के से मिली है, तो हमारा मानना है कि सृष्टि से हमने बहुत कुछ लिया है सृष्टि से, लेकिन हम कभी भी उसको कुछ भी वापस दे नहीं पाते हैं। तो इस तरह से हमारा एक प्रयास है छोटा, सृष्टि को जैसा उसकी नेचर है उसके हिसाब से रखने का। तो उसके लिए हमें सब लोगों से मैं अपील भी करता हूँ और मेरी प्रार्थना भी है कि इस महीने में हर एक व्यक्ति का यह कर्तव्य भी बनता है कि वो कुछ ना कुछ अपनी तरफ से इस सृष्टि को समर्पित करे और ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक पेड़ तो हर कोई अपने घर के आसपास लगाए और उसकी देखभाल करे। नमस्कार। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज हमें आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज यहाँ पे हमारे CSC सुजानपुर में आर्ट ऑफ लिविंग और सैनिक मंदिर, जो हमारी सत्संग की कमेटी है, जो संस्था है, उसके सभी रिस्पेक्टेड मेंबर्स यहाँ पे आए हैं और जो उन्होंने संकल्प लिया है इस पवित्र महीने में, सावन के महीने में, जो कि भोलेनाथ का महीना है, उस महीने में उन्होंने एक संकल्प लिया कि 108 बिल्व पत्र लगाने का। तो उसी के उपलक्ष्य में वो लोग यहाँ पे आए और उन्होंने हमारी CSC में भी बिल्व पत्र का पेड़ लगाए हैं और यहाँ पे जो आसपास जो मंदिर है या कुछ है वहाँ पे भी वो लोग लगाएंगे। और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु हम सबकी मनोकामनाओं को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसे ही मतलब उत्साह देते रहें कि हम लोग अच्छे और नेक काम करते रहें। थैंक यू।